हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सिंह। पूजा कॉर्नर चैनल में आपका स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से नाइट क्रीम बनाना बताऊंगी, जो कि सिर्फ दो चीज़ों को यूज करके मैं बताऊंगी। जो कि अभी अगर आपकी स्किन पे प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपकी स्किन पे पिंपल्स है, या आपकी स्किन पे झाइयाँ हैं, बहुत सारे दाग धब्बे हैं, आपकी स्किन पे झुर्रियाँ आ गई है, तो इन सारी चीज़ों को आपके ये कंट्रोल करेगा। तो आप इसका यूज़ ज़रूर करके देखें, एक बार तो यूज करके ज़रूर देखें, जिसके लिए मैं सिर्फ दो चीज़ों का यूज़ करूँगी। पहली चीज़ है पतंजलि का एलोवेरा जेल और दूसरी है वैसलिन का पेट्रोलियम जेली। सिर्फ इन दो चीज़ों को यूज करके मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप भी अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकती हैं। ग्लोइंग, चमकदार, बहुत ही ज़्यादा आपको इसका बेनिफिशियल मिलने वाला है। तो मेरी ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ले रही हूँ इसके लिए थोड़ा सा, ख़त्म हो चुका है एक्चुअली, सच को तो ख़त्म हो गया है, ये थोड़ा सा ही है इसमें, तो बस इसका यूज़ करके मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें लेंगे थोड़ी सी वैसलिन की पेट्रोलियम जेली। इसको क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको क्या करेंगे, हम अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने से पहले पहली चीज़ ये है कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। फेस को क्लीन करने के बाद ही इसको अप्लाई करें, नहीं तो इसका क्या होता है, इसका नुकसान भी होता है बहुत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये देखिए। इसका क्या करना है, उसको अप्लाई करने के बाद आपको इसको सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करना है। कम से कम 5 मिनट तक इसका मसाज ज़रूर करें, जिससे कि आपकी स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इसका मसाज सर्कुलर मोशन में ही करें, जिससे कि ये अंदर तक जा सके। अपनी नेक पे भी करें इसका इस्तेमाल। क्या होता है कि हम फेस को तो क्लीन करते हैं, फेस की तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बस अपनी नेक को छोड़ देते हैं हमेशा, लेकिन आप इसे बिल्कुल भी ना करें। इससे आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपको एक ही बार के इस्तेमाल से आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग हो गई है, आपके फेस पे कितना ग्लो आ गया है, आपकी स्किन के जो भी आपकी ड्राइनेस है वो भी दूर होगी, अल्सास में धीरे धीरे आपकी जो झाइयाँ हैं वो भी दूर हो जाएंगे, झुर्रियों की जो प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही है वो भी दूर हो जाएंगी इससे। तो आप अप्लाई करके देखिए एक बार, एक हफ्ते आप यूज़ करके देखिए, अगर आपको उसका फ़र्क नज़र ना आए तो आप इसे छोड़ दीजिए। और एक चीज़ और कि बहुत से लोग होते हैं जिनको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है, अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप इसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। लीजिए, हो गया मेरा 5 मिनट। 5 मिनट अप्लाई करने के बाद मैं इसको पूरी रात ऐसे छोड़ दूँगी। नेक्स्ट डे क्या करना है, इसको बिल्कुल सिंपल वाटर से इसको धो लेना है। वाटर से आप धोएंगे, आपको अपनी आप अपनी स्किन को टच करके देखें ना, आपको फ़र्क खुद ही पता चलेगा कि आपकी स्किन की पहले से कितनी सॉफ्ट हो गई है, पहले से कितना ग्लो कर रहा है आपका स्किन। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। जो एलोवेरा का जेल होता है वो आपकी स्किन को टाइट करता है, जवाब बनाए रखता है, आपकी झुर्रियों को दूर करता है। तो आप पूरी कोशिश करें कि आप अपनी स्किन पे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, अगर ना लगे तो बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।